सिंगल बाइक सवार हेलमेट पहना, सीधा पीठ पे ऐसा खींचा वार और मेरे पलटे तक का ही चला गया। तो 2 मिनट में तो वो मेरे पीछे ऐसा वार घसीटा और चला गया। मुंब्रा बाईपास पर वैसे तो रात में लूटपाट और वार की खबरें सामने आती थी, मगर आज दिन में ही करीब 4 बजे के आसपास अब्दुल करीम 32 वर्षीय पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसका उपचार बिलाल अस्पताल में किया गया। अब्दुल करीम रशीद कंपाउंड बरकत पार्क के रहने वाले हैं। करीम ने बताया कि बाईपास पर टोल नाके के पास सर्विस सेंटर पर अपनी कार की धुलाई कराई, उसके बाद बाईपास पर वो आगे की तरफ बढ़े। बाईपास पर रहमानिया अस्पताल के पास मोड़ पर कार के साउंड का वायर निकल गया, जिसे ठीक करने के लिए अब्दुल करीम कार से नीचे उतरे। इतने में ही एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से आया और पीठ पर धारदार हथियार से वार कर दिया। करीम ने बताया कि उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया क्योंकि वो हेलमेट लगाया था और बाइक बिना नंबर प्लेट की थी। हालांकि बिलाल अस्पताल में करीम का उपचार किया गया। करीब 3 से 4 इंच का जख्म अब्दुल करीम को वार से हुआ है। मेरा नाम अब्दुल करीम है। कहाँ रहते हैं? रशीद कंपाउंड बरकत पार्क। कहाँ पर ये वार आपके साथ जो है कहाँ पर हुआ, किस जगह? ये टोल नाके से आगे जाएंगे ना अपन, तो आगे जो राइट साइड में ऊपर पहाड़ की तरफ रास्ता है, मेरी गाड़ी वॉशिंग करा के मैं आगे तक गया, वहाँ पे यू टर्न मारा तो मैं गाड़ी से उतर के मेरे राइट साइड में स्टेयरिंग साइड में मैं खड़ा था, तो अचानक मैं सिंगल बाइक सवार हेलमेट पहना हुआ, जिसकी बाइक की ना नंबर प्लेट थी ना कुछ थी, ज़बरदस्ती कुछ नहीं, कुछ बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सीधा पीठ पे ऐसा खींचा हुआ और मेरे पलटे तक का ही चला गया। या आपके साथ कुछ छीना झपटी ऐसा हुआ? कुछ नहीं, मेरे पलटे तक का चला गया। वो हो सकता है वो छीनने आया होगा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरी शक्ल देख के मुझे पहचाना होगा, क्योंकि मैं भी आसपास के एरिए का हूँ। अभी कोई बाहर का होता तो उसके साथ हो जाता। इतने देर में वो चला गया? हाँ, इतने देर में तो भाग गया, वो बाइक पे ही बैठा हुआ था। तो अभी आपने पुलिस में कुछ कंप्लेंट की है? पुलिस में मैं गया था, वो पेपर है ना मेरे पास, वो दिए उन्होंने, बोला इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, फिर क्योंकि मैं कोई भी डॉक्टर के पास जाऊँगा तो वही पूछेगा कि पुलिस कैसे, तो मैं पहले ही जाके आया वहाँ, तो उनसे बोला गया तो वो बोलते अरे यार बाइक नंबर ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं बोला ऐसा तो फिर वो बिना बाइक के नंबर से चलते ही रहेंगे। फिर कुछ आपको किसी के ऊपर शक है ऐसा, किसी के साथ दुश्मनी वगैरह है आपकी? शक के लिए तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये क्या, जो हिसाब से वो बंदा रुका नहीं, मेरे से कोई चीज़ लिया नहीं, तो 2 मिनट में तो वो मेरे पीछे ऐसा वार घसीटा और चला गया, तो वो भी एक तरफा है। जो सोच सके तो अगर उसमें भी सोच जाती है और इसमें भी जाती है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।